सो रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में जो सपनों अब पूरा होवे वाव है, लेकिन कछु पैसा देने पड़े बा अकेला ने। सो पैसा की आप तैयारी कर लो, 2,25,000 में हेलीकॉप्टर में घुमा दे, का कि सब कोई लड़का बच्चा एकदार जो चौथ के बच्चा बस में बैठ लो, ट्रेन में बैठ लो, गाड़ी चला ले और बहुत बहुत वाहन में बैठ लो, लेकिन हवाई जहाज में बैठ बहुत मुश्किल रह। तो जो आम आदमी के लाने आम तरीका से बिठाने की व्यवस्था करी हमें महाराज ने, महाराज है हमारे संगे, महाराज यहाँ पर राइडिंग करा रहे हैं। ये पूरा इलाका देखिएगा, यहाँ पर अभी अब से कुछ देर पहले कुछ लोग गए हुए हैं जो राइडिंग कर रहे हैं, और ओरछा में 25 तारीख तक ये राइडिंग चलेगी। कैसे चलेगी पंडित जी बताएं? ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो हवाई यात्रा कम कर पाते हैं, और जो करते भी हैं वो हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में घूमना लोगों के लिए थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है। तो वही चीज़ जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपना है कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ में जो लोग घूमेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में घूमें, उस चीज़ पर हमने लगातार काम किया है। और जो हमारी बुंदेलखंड की पावन धरती है, जो कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान में बुंदेलखंड की जो पावन धरती हमारी महत्व रखती है, उसके लोगों को इन पर्यटनों का लाभ देने के लिए छोटे से अमाउंट में 2,500-3,000 रुपए में हेलीकॉप्टर में इस ओरछा जैसी नगरी का नज़ारा दिखा रहे हैं, झांसी जैसी नगरी का नज़ारा दिखा रहे हैं, उसके लिए लोग आमंत्रित हैं। बहुत ही अच्छा उनको शानदार अनुभव होगा। पूरे बुंदेलखंड में करोगे आप ये? पूरे बुंदेलखंड में हमारी सर्विस है। जिसको शादी विवाह के लिए चाहिए, शादी समारोह के लिए चाहिए, जन्मदिन पार्टी वगैरह के लिए चाहिए, पुष्प वर्षा करानी है अपने किसी फंक्शन में, किसी को अपने भारत में कहीं भी जल्दी पहुंचना है, इमरजेंसी है, और किसी को अगर एयर एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत है, मरीज दिल्ली किसी को जाना है, इलाज की आवश्यकता है जल्दी, तो हम वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी हैं। अधिक से अधिक बुंदेलखंड के लोग हमारे लाभ लेंगे इन चीज़ों का, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत कम रेट में उपलब्ध करा रहे हैं। इन चीज़ों को आनंद देने के लिए जो छोटे 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 वर्ग के लोग हैं वो हेलीकॉप्टर में इसका पूरा आनंद ले सकते हैं, उसको हमने सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो महाराज हैं जो क्या कह रहे हैं कि ई राइडिंग से हेलीकॉप्टर में बैठवा, चूँकि बहुत महंगो होते हैं हेलीकॉप्टर में बैठवो, हवाई जहाज को तो लोग बैठ ले रहे, तो अभी इतना आनंद नहीं आ पाता है। हवाई जहाज में क्या है, सीधा टिकट लिया है एयरपोर्ट से, उड़े ना नज़ारा दिख रहा है ना चीज़ें उस तरह से बैठे हैं, बस समझ में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि भैया मोड़ी के ब्याह में फूलन की बरसात कराने तो बड़ा मुश्किल रहता है। जो सब ये महाराज को जो सपना है कि बुंदेलखंड को, चाहे झांसी हो, चाहे दतिया हो, चाहे बुंदेलखंड के अन्य इलाके हों, ललितपुर हो, सब जगह जहाँ राइडिंग के जरिए लोगन जो आम आदमी है, क्योंकि खास के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आम के लिए बहुत मुश्किल है। और उस आम की आवाम, आम आवाम की आवाज़ को हमें महाराज ने सुनी, तो हमने आप लोगों को बारे में बुंदेलखंड में बताया, जनता का ही सहयोग है, लोगों का आनंद ले। ये राइडिंग ये इस तरीके से जो आम आदमी का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं, ये लोग राइडिंग करा रहे हैं, बशर्ते पैसा जरूर ले रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए ओरछा के जितने भी आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं, जितने भी पुरातत्व धरोहरें हैं, जितना भी नेचर के सौंदर्य हैं, उसको दिखा रहे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की सवारी एक अलग सवारी होती है, शान की सवारी होती है, और उस शान की सवारी को अगर आपको करना है तो आपको बुंदेलखंड की पुरानी राजधानी ओरछा आना होगा, और ओरछा में यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर राइडिंग कर पाएंगे।